शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब पृष्ठ संख्या 60 का तीसरा अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कंदकवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान मेरे और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि बार बार मेरे पास हो जाने से और भाई साहब के फेल हो जाने से भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए थे। बहुत बार उनको मुझे डांटने का मौका मिलता, फिर भी वे धैर्य से धीरज से काम लेना शुरू कर दिया था। शायद बड़े भाई साहब समझने लगे थे कि अब मुझे अर्थात लेखक को डांटने का अधिकार उनको नहीं रहा, या रहा भी तो वह पहले की भांति नहीं रहा, कम हो गया है। यही कारण है कि लेखक की स्वच्छंदता अर्थात आज़ादी और बढ़ गई और वह बड़े भाई साहब का सहनशीलता का लाभ उठाने लगा और लेखक के मन में कुछ ऐसी बात बैठ गई थी कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ पास ही हो जाऊँगा, उसकी तकदीर उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। और 19 दिनों की बात है कि लेखक को एक नया शौक लग गया था, वह शौक था पतंग उड़ाने का। अब लेखक सारा समय पतंगबाजी में बर्बाद कर देता है। इसके बावजूद भी लेखक अपने बड़े भाई साहब का बहुत इज्जत करता, बहुत सम्मान करता है, इसलिए पतंग उड़ाने जाने के लिए भी लेखक बड़े भाई से नज़र बचा कर जाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट, ये सारी तैयारियां सब गुप्त तरीके से अर्थात चुपचाप की जाती थी ताकि भाई साहब को इसकी भनक तक ना लगे। साथ ही साथ लेखक यह भी नहीं चाहता था कि उनके बड़े भाई साहब को ऐसा लगे कि उनकी इज्जत लेखक के नज़रों में अब पहले के जैसे नहीं रहे, इसलिए सारी योजना जो है, सारी चीज़ें जो है वह चुपचाप की जाती थी गुप्त तरीके से। अगला अनुच्छेद। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कार है, न ट्रम, न गाड़ियां। यहां लेखक एक दिन शाम के समय का जिक्र कर रहा है कि वह पतंग बाजी के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि एक पतंग टूटकर या कटकर बेतहाशा उड़ी जा रही है या गिरी जा रही है और वह उसको लूटने के लिए दौड़ा जा रहा है। उसकी निगाहें पूरी तरह से उस पतंग पर केंद्रित है अर्थात टिकी हुई है। वह सिर्फ पतंग को देख रहा है, उसको उस आगे पीछे की भी खबर नहीं है। उसको ये भी नहीं पता कि रास्ते में मोटर गाड़ी भी आ सकती है या कुछ और हो सकता है, लग सकता है। उससे लग रहा है कि जैसे पतंग की भांति वह आसमान में उड़ रहा हो या चल रहा हो, जहाँ पे ना मोटर गाड़ी की चिंता है और ना ही दूसरे गाड़ियों की। साथ ही साथ और बच्चों की जो टोली है वो भी पतंग लूटने के लिए उसके पीछे बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं। किसी के हाथ में लकड़ी है तो किसी के हाथ में झाड़दार बांस। अगला अनुच्छेद। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई।
जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कर्ण कौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। जब लेखक पतंग लूटने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहता है, उसको कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, तभी अचानक उसके बड़े भाई साहब से वो टकरा जाता है जो बाजार से लौट रहे होते थे। बड़े भाई साहब वहीं पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बाजारी लौंडो यानी आवारा बच्चों के साथ तुम्हें पतंग के लिए दौड़ते हुए ज़रा से भी शर्म नहीं आ रही है? तुमको इतना भी अब ख्याल नहीं रहा कि तुम अब निचली कक्षा में नहीं रहे, 8वीं जमात में उठ गए हो, 8वीं कक्षा में उठ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जे ही नीचे हो। आखिर मेरी नहीं तो कम से कम अपनी उस कक्षा का तो ख्याल रखो। वे कह रहे हैं कि आदमी को कम से कम अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। सुप्रभात। अगला अनुच्छेद। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिठिलाचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडे के साथ कण कौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जहान किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं बदल सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम चाहे एमए और डिफिल या डिलीट ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी है जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। यहाँ बड़े भाई साहब लेखक को उसकी जमात का मूल बताते हुए कह रहे हैं कि अब तुम 8वीं दर्जे में आ गए हो, अब तुम्हें बेकार का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दर्जा वो है जिसको पास कर लेने पर लोग बड़ी बड़ी नौकरियां पा लेते हैं। वो यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंड बन जाते हैं। भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि 8वीं पास करने पर बहुत बड़े समाचार पत्रों के लीडर भी बन जाते हैं और यही नहीं, बहुत बहुत बड़े बड़े विद्वान भी इसके नीचे काम करते हैं और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ पतंग उड़ा रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ल पर बहुत दुख होता है। भाई साहब ये भी कह रहे हैं कि तुम बहुत होनहार विद्यार्थी हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह होनहारी किस काम की है जो तुम्हारे आत्मगौरव आत्मसम्मान की हत्या कर डाले। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे मन में ये बात आ गई हो कि अब तो मैं सिर्फ भाई साहब से एक ही दर्जा नीचे हूँ, तो शायद उनको मुझे कुछ कहने का हक नहीं रहा। तो मेरे भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं तुम्हें हमेशा कुछ भी कहने का हक रखता हूँ। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे कल तुम मेरी कक्षा में क्यों ना आ जाओ।
और परीक्षकों का यही हाल रहा तो अवश्य अगले साल तुम मेरी कक्षा में आ जाओगे, और यही हाल रहा तो उसके अगले साल तुम मेरे से आगे भी निकल जाओगे। लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और यह 5 साल का जो मेरा अनुभव है वह कहीं ज़्यादा है। इस 5 साल के अंतर को तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। आज तुम चाहे बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम हासिल कर सकते हो और भविष्य में हासिल भी कर दोगे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे हमेशा तुम्हें सुधारने का अधिकार रहेगा, क्योंकि महज किताबें पढ़ने से लोग समझदार नहीं बनते, समझदार बनते हैं अनुभव से। यहाँ बड़े भाई साहब अपनी माँ और पिता का उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी माँ और दादा दोनों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। वो तो ये भी कह रहे हैं कि माँ ने तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, यहाँ तक कि पिताजी भी 6ठी के आगे नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी उनको हमें सुधारने का हमेशा अधिकार रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास जीवन का अनुभव बहुत अधिक है। उन्हें भले ही यह पता ना हो कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, कैसा शासन है, भले ही उनको यह भी पता ना हो कि 8वें हेनरी ने कितने विवाह किया, यह भी उनको शायद नहीं पता हो कि अंतरिक्ष में कितने नक्षत्र अर्थात ग्रह है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनको पता है हमें नहीं। इसलिए उनको हमें हमेशा सुधारने का अधिकार रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, आखिरी भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।